आज हम ऐसी खेत में पानी जांच करने आए हैं जहां उपी जोताई हो गया है। बरसात लगने वाली है, इसलिए किसान अपने खेत में उपी जोताई कर लिया है। और ये किसान अभी बारिश लगने से पहले अपने खेत में बोर खनन करवाना चाह रहा है और हमें बुलाया है। इस खेत में हम पॉइंट चेक करेंगे, इस खेत में पॉइंट है कि नहीं है वो बता देंगे। पानी रहेगा तो बताएंगे पानी है, और नहीं रहेगा तो बता देंगे पानी नहीं है। दोनों बात है। किसान का कई बोर फेल हो चुका है और सॉरी भाई वही जाता है ज़्यादा जहाँ किसानों का बहुत ज़्यादा बोर फेल होता है या ड्राई एरिया रहता है। तो ये किसान का भी कई बोर फेल हो गया है जिसके खेत में पानी नहीं मिला उनको। तो हमें बुलाया है और हमें यही बोला गया है कि हमारे खेत में पानी है तो बताना पानी है, और नहीं है तो बता देना भैया स्पष्ट, मत शर्माना पानी नहीं है। तो हम यही बात उसको भी बोले हैं, पानी रहेगा तो बताएंगे, पानी नहीं है तो नहीं बताएंगे। बोल देंगे कि भैया अभी आपके खेत में कोई गुंजाइश नहीं है, रिस्क मत लो, बर्बाद होने से बच जाओ। ठीक, अब हम पानी जांच करते हैं, चलते हैं आगे। और उससे पहले हम एक चर्चा करते जाएंगे, जैसे कि हमारा एक यूट्यूब में जब वीडियो डालते हैं हमारी एक पहचान बन गई है कि हम सच बात बोलते हैं, झूठ और लाग लपेटा वाली बात हम नहीं करते। तो भाई हम वीडियो आगे बढ़ें, हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है किसान का बोर। आप यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए किसान का बोर, बोर का स्पेलिंग है BORE। हमारा चैनल सबसे ऊपर में मिलेगा आपको, हमारी वीडियो सबसे ऊपर में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी लेट किए हम इस खेत में पानी जांच करते हैं, और पानी जांच करते करते हम आपको यह बताएंगे कि जितने भी यहाँ पानी जांच करने वाले आए हैं, देखिए नारियल बाहर जा रही है, इसको केयर करते रहिए, चर्चा तो करते रहेंगे लेकिन आप इसको केयर करते रहिए। इस खेत में जितने भी पानी जांच करने वाले, इस खेत में थोड़ा दूर से लेना भाई, पूरा स्ट्रक्चर ले लेना। देखो इस खेत में जितने भी पानी जांच करने वाले आए हैं अभी तक, उन्होंने यही कहा है यहाँ पानी है वहाँ पानी है और किसानों को बर्बाद कर दिया है। तो रियल में यही बात है कि ये लोग दूसरे के खेत में जाते हैं, पॉइंट बताते हैं, लेकिन जब खुद के खेत में इन्हें बोर करवाना होता है तो दूसरे को बुलाते हैं। सही बात है ना किसान भाई, आपके आसपास में जितने भी पानी जांच करने वाले हैं उसके तरफ एक नज़र फैला लो। जब वे खुद अपने खेत में पानी जांच करना हो तो आसपास के या किसी भी नामी गिनामी को भी पानी जांच करने वाले उसको बुलाते हैं। जब आप में इतनी काबिलियत है पानी जांच करने की तो दूसरे को क्यों बुलाते हो? जब आपकी पैर सबल है तो बैसाखी क्यों लगा रहे हो? पानी जांच करने वाले भाई लोग बैसाखी पकड़ कर क्यों चल रहे हो? आप अपने खुद में खेत में खुद बोर करवाओ ना, अपने दम पे कराओ। हाँ मैंने जांच किया है, यहाँ पर जांच के यहाँ पर पानी निकलेगा, इतने दहाड़ कर बोलो ना, क्यों दूसरे को बुलाते हो भाई? ये कंडीशन बहुत ख़राब है यार। तो आप लोग इस बात को नोटिस करना किसान भाई लोग, अगर ये पानी जांच करने वाले दूसरे को अपने खेत में कहीं बुले कर आए ना तो जान लो ये ढोंगी है, नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस आपको लूट रहा है। इसलिए भाई सतर्क रहो। हाँ बहुत से पानी जांच करने वाले खुद अपने खेत में जांच किए हैं, दूसरों की भी जांच करते हैं, सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तो चलिए हम वहाँ से आए हैं, ड्राई था, लेकिन हमारा अगला कदम पानी से भरा हुआ है। जिन्हें अभी तक ड्राई है कहकर लोग कहते रहे यहाँ पानी है, हमारी अगली कदम है, मैं ये इसी कारण यहाँ पर खड़े हो चुका हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्यों आपको बताऊँगा यहाँ पर पानी है। अभी तक कई पानी जांच करने वाले आए नहीं पकड़ पाए, ड्राई है कहकर सब पहले से मानसिकता बना लेते थे कि वो तो ड्राई है, लेकिन असल अलग है। देखिए
मेरी अगली कदम को देखना, देखो जहाँ जैसा खड़ा था वैसे खड़ा हूँ, अब देखना नारियल को भी देखना और देखो मेरे अगली कदम को देखना, पूरा दिखाना भाई सिर से पैर तक देखना, ये हो गया नारियल खड़ी हुई कि नहीं हुई, ये देखो पैर हटा दिया, ये देखो ये ना यहाँ इस कदम में पानी है, बड़ा नारियल है, कच्चा नारियल है, अच्छा खड़ा हो रहा है। अब देखो ये आगे भी है, देखो ये यहाँ तक पानी है और ये कितना पानी है भी बता देता हूँ, देखना देखना भाई मैं बैठ के बता रहा हूँ। देखो क्या यार जींस पहनोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो मैं बैठ के दिखा रहा हूँ। देखो जहाँ बैठा हूँ वहाँ ड्राई है, नारियल बाहर जा रही है और जहाँ पैर हाथ रखूँगा देखना क्या सिचुएशन आएगी। ये ठीक देखो ये उड़ गया ना नारियल, देखो ये। अब मैं किसी और चीज़ को यहाँ पे गड़ा के दिखाता हूँ, चलिए इस मिट्टी को हम यहाँ पर रखते हैं ऐसे, यहाँ पर पानी है तो क्या ये बताएगा ऊपर से, नहीं बताएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं यार, ठीक। तो देखना इस वाले हिस्से में नहीं है देखो, और इस वाले हिस्से में ठीक देख लो भाई, ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं ना। कई हमारे साथी पूछते हैं कि सॉरी भाई क्या पानी जांच करते समय मंत्र जंत्र पढ़ना पड़ता है, तो भाई नहीं पढ़ना पड़ता है, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, तो आपके सामने एकदम खड़ा हूँ, मेरा वीडियो बिना किसी एडिट के चलता है भाई, देख लो फिर दिखा रहा हूँ। देखना अभी ये ड्राई है बैठा हूँ वो, और हाथ जैसा रखूँगा उंगली ये खड़ा हो गया, देखो भाई ये खड़ा हो गया ना, ये देख लो, ये देख लो, ये स्लो मोशन में भी देख लेना यार, ये जैसे उंगली हटाया बाहर जा रही, देखो उंगली रखूँगा ये अंदर आ गई, देखो ये ठीक ठीक। तो यहाँ पर पानी है, अभी तक किसान यही मान कर चल रहा था कि मेरे खेत में पानी नहीं है, जितने भी जांच करने वाले साहब आए धूल उड़ा दी के गए, इसीलिए भाई आप उसी पे जहाँ पानी जांच करने वाले को बुलाओ जो अपने खेत में खुद पानी निकाले हैं। और ये पानी जांच करने वाले भाई आप दूसरे के खेत में जाते हो लेकिन आप अपने खेत को जब बोर कराना हो तो दूसरे को बुलाते हो, तो ये मत करना यार, ये नाइंसाफ़ी है, आप अपने खेत में भी खुद करो तो बात समझ में आएगी। अब देखो इधर पानी कहाँ तक, इस एरिया में भी देखते हैं भाई इधर, तो इधर से दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर नहीं है देखो, यहाँ पर नहीं है पानी, यहाँ से है, यहाँ से देखो ये, तो इसमें भी रख देता हूँ एक, ये रखते हैं, चलो इसके ऊपर और रख देते हैं, क्योंकि यहाँ भाई लकड़ी वगैरह कुछ नहीं है, खेत की जुताई हो गई है, साफ़ सफाई हो गई है, देखो ये दोनों के बीच में एक बीते का फुल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ लगभग एक फीट का आएगा ये, ठीक। अब ये ऊपर टॉप को हम पकड़ते हैं, पानी है कि नहीं वो पता चल जाएगा, बैठे हैं और ड्राई है वो एरिया बाहर जा रही नारियल, देखो जैसे लेकिन पकड़ते हैं, देखो ये ठीक, ये टच कर रहे हैं, नारियल खड़ी हो रही है, देखो ये खड़ी हो गई नारियल, फिर हटा दिए सो गई, खड़ी हो गई, तो ये है, तो यहाँ पर पूरा पानी है। अब यहाँ पर उंगली देखते हैं क्या सिचुएशन आती है, देखो ये पानी है, ठीक। इसी तरह से पानी की धार को चेक करना है, हमारे जहाँ बैठे हैं वहाँ से पीछे का एरिया पूरा ड्राई है और इस खेत में बहुत सारा बोर हुआ है, सूखा है, तो मन में ये धारणा भी नहीं बनाना है कि मेरे खेत में पानी है ही नहीं है, आपको अच्छे जानकार आदमी को बुलाना है, और ये बुलाने से अच्छा है आप खुद नारियल पकड़ो, ब्रह्मास्त्र खुद अपने हाथों में उठा लो और अपने खेत में चल पड़ो, एक दिन समझ में नहीं आएगा, दो दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप इतना परिपक्व हो जाएंगे कि आपको अंदर के पानी का एहसास होने लगेगा, एक दो दिन में ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल करते रहना है, कई खेत आ गए तो आप भी देख लेना, आपकी श्रीमती आई उसको भी नारियल पकड़ा देना, ऐसा नहीं कि इसी पर जेंट्स को ही बताए ना नारियल पानी, ऐसा नहीं है, लेडीज़ को भी बताती है, केवल पुरुषों को बताए या महिला को बताए ऐसा भी नहीं है, बच्चे को भी बताता है, बच्चे को भी पकड़ा देना, आपके खेत में कोई काम करने है उसको भी पकड़ा देना, देखना किसके हाथ में उड़ता है, और जिसके हाथ में नारियल खेलना शुरू कर दिया तो उसको इस खेत में भी बताएगा, दूसरे खेत में भी बताएगा, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करना है यार, नेचुरल रखना है इसको,
और वही हमारे साथी लोग बोलते हैं ना कोई मंत्र वंत्र, ऐसा कुछ नहीं यार, एकदम नॉर्मल है। तो भाई ये पोजीशन यहाँ पर की हो गई। तो हम फिर अब आगे बढ़ते हैं कि क्या स्थिति इस खेत में आती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि किसान भाई हम जिसको बुलाते हैं विश्वास करके, लेकिन वो हमारा विश्वास पात्र नहीं बन पाता, इसलिए हम बर्बाद हो जाते हैं। एक धार मिली है, वहाँ एक फीट का पानी है, मतलब वहाँ पर अच्छी पानी है। और देखो ये यहाँ पर हलचल तेज़ हो गई है, देखो इस खेत में यहाँ पर भी पानी है, देखो देखो आप स्वरूप हो रहा है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो ये है। तो यहाँ पर भी पानी है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर ये इधर ड्राई है, ये इंडिकेटर दे दिया कि इधर पूरा पूरा ड्राई है, पानी इस खेत में यहीं पर है। पानी की धार वो एक हो सकता है या दो भी हो सकता है, उसको हम चेक करेंगे, लेकिन हम यहाँ उसको बाद में चेक करेंगे। पहले आगे जाते हैं कि पत्थर कैसी है, क्योंकि हम पानी जांच के साथ साथ पत्थर भी जांच करते हैं, दोनों चीज़ें हमारा साथ चलता है। तो ठीक है चले अब आगे बढ़ते हैं, क्या कंडीशन आती है। देखो देखो बाहर जा रही है, फुल ड्राई है, इधर यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है पानी की। अब कितने दूर तक गुंजाइश नहीं है ये भी देखते हैं। देखो बाहर कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो पकड़ते ही बाहर जा रहा है, इधर कोई गुंजाइश नहीं है। देखो इसमें क्या होती है हलचल, ये भी बाहर है, देखो इसमें क्या कंडीशन आती है, इसमें भी बाहर है, इसको देखो ये भी बाहर है, देखो ये हथेली में रखे हैं। हाथ को भी देखना भाई और नारियल को भी देखना, एकदम स्लो मोशन में कर लेना, ये क्या खेत है, जोताई हुई हुई है तो इसलिए इसमें चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैर अंदर चला जा रहा है ये। तो यहाँ कुछ नहीं, हमारे कैमरामैन को भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखो ये यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा और बचा है इस खेत का एरिया, उसके बाद पूरा हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। इस खेत में पानी सिर्फ स्टार्टिंग की है, उसके थोड़ी दूर में मिला है, अच्छा पानी मिला है, वहीं पर आपका 3 HP से लेके 5 HP तक का मोटर चलेगा। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। हाँ सॉरी भाई का मोबाइल नंबर है 7000716599, सॉरी भाई का चैनल का नाम है किसान का बोर, आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, मैं वहाँ मिलूँगा। भाई आप लोग बात करना हो, कोई सलाह लेना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, रात्रि में 8 बजे से 9 बजे के बीच, दिन में बिजी रहता हूँ बात नहीं कर पाऊँगा। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।